पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जहां एक दिवसीय कवर्धा प्रवास पर आज पहुंचे हुए थे, वहीं जिला कांग्रेस कमेटी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां भूपेश बघेल ने सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही वर्तमान में जो गठबंधन में सरकार बनी है उसे लेकर भी भूपेश बघेल ने अपनी बातों को रखा। और कभी छत्तीसगढ़ में जो 10 सांसद जीत कर आए हुए हैं, इस विषय को भी उन्होंने लेकर क्या कहा है, आप भी सुनिए। दरअसल छत्तीसगढ़ में 10 सांसदों की जीत हुई है और इस मामले को लेकर भूपेश बघेल का बड़ा बयान आया हुआ है। हम आपको बता दें कि भूपेश बघेल ने जहां सभी का आभार व्यक्त किया, वहीं पत्रकारों से चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आखिर क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। लिए विष्णुदेव सरकार जिम्मेदार है, यदि समय रहते यदि जैत खाम के प्रकरण को निपटारा कर लिए होते तो इतना बड़ा आक्रोश नहीं फैलता। और जब इतनी भीड़ वहां बलौदा बाजार में इकट्ठा हुई तो इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? ये तो आपकी सूचना तंत्र विफल रही है। और तीसरी बात यह है कि प्रदेश में पहली घटना है कि कलेक्टर धू धू करके चल जाए और कलेक्टर और एसपी दुम दबा के भाग जाए, ये पहली घटना है। धन्यवाद किया और आज कवर्धा और पंडरिया विधानसभा में एक कार्यक्रम है और जिसमें पंडरिया के कवर्धा के हमारे सभी सेक्टर जोन के पदाधिकारी आए थे, ब्लॉक अध्यक्ष थे, सभी संगठन के हमारे सब साथी थे, सबके प्रति आभार व्यक्त किया और उनके माध्यम से मतदाताओं के प्रति भी आभार व्यक्त किया कि लगभग 46% वो कांग्रेस पार्टी को मिली और थोड़ा सा अंतर रह गया तो सब लोगों ने खूब मेहनत की और जिस कारण से बड़ा बदलाव 4 महीने में ही पंडरिया और कवर्धा में बड़ा बदलाव हुआ है। तो सब कार्यकर्ताओं के प्रति आभार और सभी मतदाताओं ने किया था, थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं उसमें हम लोग रह गए तो बहुत कम अंतर है, कोई 44,000 जहाँ 14 लाख वोट पड़े वो 44,000 बहुत कम हो जाता है, 3% का अंतर लगे। मोदी जी ये गठबंधन की सरकार बनते ही देखे दाल के भाव, आटा के भाव, सबके भाव बढ़ गए हैं, महंगाई की मार आम जनता पे पड़ने जा रही है। अब इसको भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के लोग यहाँ के लोगों को योग्य नहीं समझते। जहाँ हरियाणा से 5 सांसद जीत के आए वहाँ 3-3 मंत्री हैं, यहाँ 10 सांसद जीत के गए, 1 राज्य मंत्री दिए, ये तो छत्तीसगढ़ के लोगों का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ सांसद जीत के गए उनका अपमान है। इसलिए विष्णुदेव सरकार जिम्मेदार है, यदि समय रहते यदि जैत खाम के प्रकरण को निपटारा कर लिए होते तो इतना बड़ा आक्रोश नहीं फैलता। और जब इतनी भीड़ वहाँ बलौदा बाजार में इकट्ठा हुई तो इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? ये तो आपकी सूचना तंत्र विफल रही है। और तीसरी बात यह है कि प्रदेश में पहली घटना है कि कलेक्टर धू धू करके चल जाए और कलेक्टर और एसपी दुम दबा के भाग जाए, ये पहली घटना है। और मैं समझता हूँ देश में शायद ये पहली घटना होगी। तो जब इतनी बड़ी घटना घटी है तो विष्णुदेव सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। भाजपा का आरोप जांच हम लोग देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्मृति है वो बहुत क्षीण हो गई है या लुप्त हो गई है। कितने बार हम लोग सरकार को ज्ञापन दिए, कितने बार राज्यपाल के पास जाके ज्ञापन दिए और राजभवन में जाके उस सूची निकाल ले कि कांग्रेस ने के प्रतिनिधिमंडल कितने बार जाकर वहाँ ज्ञापन दिए और राज्यपाल से राजभवन से निश्चित रूप से सरकार के पास वो कापी आती निर्देश के साथ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसमें मौन धारण कर लेती है। देखो जिम्मेदारी तय करना चाहिए कि कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय धो-धो कर जल जाए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार बताए उसमें क्या कार्रवाई कर। अब देखिए राष्ट्रीय स्तर पे आज होगा कुछ, अभी तो कोई चर्चा नहीं हुई, मैं गया था तो कोई बात ऐसे संकेत तो मिला नहीं, लेकिन यदि होगा तो फिर वहां बदलाव शुरू होगा। कबीरधाम जिले की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे खबर योद्धा के साथ। इसके साथ ही आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले जिससे हमारी पहली वीडियो
सबसे पहले पहुंचेगी आपके पास। इसके साथ ही खबर योद्धा .com आपके गूगल पर लिखने पर ही आपको कबीरधाम जिले सहित पूरे छत्तीसगढ़ की खबरें आपको प्राप्त हो सकेंगी। तो आप ध्यान रखें, खबर योद्धा .com में भी आपको पल पल की खबरें प्राप्त होंगे। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। खबर योद्धा में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है।